सिगरेट के पैसे ना देने पड़े इसलिए आईआईटी दिल्ली ले ली। ये तो गाइस गेट खोलते ही सबसे पहले मिरर में तुम्हें एक हैंडसम सा बंदा दिखेगा। ये दैट्स मी। अब तुम लोग रूम देख सकते हो। मस्त है ना? कुछ ज्यादा ही मस्त है। इतना तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे ना। तो देखो सबसे पहले तुम्हें बेड दिख रहे होंगे दो, तो इनमें से गैस करो मेरा वाला कौन सा है और मेरे रूममेट का कौन सा है। तो एक हिंट दे देता हूँ कि जो अच्छे से रखा हुआ है ना वो मेरे वाला बेड है। हाँ तुम लोगों ने गैस कर लिया होगा। तो गाइज ये वाला है मेरा बेड, ठीक है, एकदम वेल मैनेज। और मेरे रूममेट का थोड़ा गंदा सा हो सकता है, तो संभाल सकते हो तुम लोग। और यहाँ पे फैंस के लिए स्विच लगा हुआ है, एकदम क्लीन, कोई धूल वगैरह नहीं, प्रॉपरली एकदम ऑथेंटिक फैन तुम लोग देख सकते हो। फैन में किसी प्रकार की डर्ट वगैरह नहीं लगी हुई है, एकदम क्लीन एंड टाइडी, ठीक है। यहाँ पे अपनी हुडीज जैकेट वगैरह टांग सकते हैं। गेट भी एकदम प्रीमियम है, तुम लोग देख ही सकते हो, ठीक है। और यहाँ से तुम्हें हॉस्टल का गार्डन वगैरह दिख रहा होगा ना? हाँ, खिड़कियाँ भी बहुत मस्त है। यहाँ से देखो ये जो तुम्हें सामने दिख रहा है ना, वहाँ एक रीडिंग रूम है और साथ में ही लाइब्रेरी रूम है। लाइब्रेरी रूम का मैंने शॉट डाल रखा है, वो तुम लोगों ने देखा ही होगा। लाइब्रेरी रूम भी बहुत बड़ा है हमारे हॉस्टल का। यहाँ देख सकते हो लोग जा भी रहे हैं क्योंकि लोग हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। अब तुम लोग अलमारी देख सकते हो, अलमारी बोल रहा हूँ, ये जो भी है, कबर्ड है, अलमारी है, अलमीरा है, जो भी है देख लो। यहाँ पे सामान वगैरह रखे हुए हैं। तब इनमें गैस करो मेरा सामान कौन सा है, मेरे रूममेट का कौन सा है। फिर से वही हिंट, मेरा सामान थोड़ा वेल मैनेज्ड। हाँ सही गैस किया तुमने, ये वाले मेरे सामान है, दो बैग रखे हुए हैं मेरे, और तुम देख सकते हो एकदम वेल मैनेज्ड। बोतल वगैरह, बैग वगैरह, टूथब्रश वगैरह देख सकते हो, ब्रश करनी पड़ती है हफ्ते में एक बार तो। और ये खाने के सामान वगैरह रखे हुए हैं, लैपटॉप रखा हुआ है। ऊपर मेरा रूममेट फुटबॉल खेलता है, मतलब खेलता तो क्या है, एक्स्ट्रा में ही है वो गोलकीपर में, तो ग्लव्स भी रख रखे हैं। और यहाँ पर कूलर रख रखा है क्योंकि दिल्ली में आजकल बहुत गर्मी हो रही है, टेम्परेचर 20-30 डिग्री सेल्सियस हो ही जाता है, तो कूलर इज़ ए मस्ट। और यहाँ पर एक छोटा कूलर भी रखा हुआ है, अगर तुम्हें ज़्यादा ही गर्मी लग रही हो तो तुम अपने फेस वगैरह पर भी कर सकते हो। यहाँ पे एक्सटेंशन वायर्स देख सकते हो तुम, एक्सटेंशन बोर्ड एक तो ख़राब हो चुका है हमारा, तो फिर अब दूसरा लाना पड़ा, और दूसरे जो ख़राब हो चुका है वो भी वहीं रखा हुआ है, उसको फेंका नहीं है क्योंकि फीलिंग जुड़ी हुई है उससे, ठीक है। अब ये नए वाला है, तुम देख सकते हो। और थोड़ा नीचे से भी दिखा देता हूँ, रूम एकदम क्लीन है। हाँ देख सकते हो एकदम मस्त, आईआईटी का हॉस्टल है यार, इतना साफ तो होगा ही ऑब्वियसली भाई, आईआईटीज आर लव, ठीक है। और झाड़ू तो मारे हुए शायद एक बार ही मारी थी हमने, जितने टाइम से हम हॉस्टल आए हैं, फिर झाड़ू पता नहीं कौन ले गया। और इसके नीचे का दिखाऊं क्या, नीचे का भी दिखा देता हूँ, फिर कहोगे छुपा दिया कुछ। यहाँ बाल्टी रखी हुई है नहाने के लिए, एक महीने में एक बार नहाता हूँ मैं। जूते रखे हुए हैं, कभी भागना पड़ जाए कुछ क्राइम करके। यहाँ मेरे रूममेट के जूते अलमारी रखी हुई है, और चप्पल वगैरह रखी हुई है किसी के मारनी पड़ जाए तो, ठीक है। अब बाहर गाने बज रहे हैं, ये कॉपीराइट मत मार देना बस। यहाँ पे छतरी टंगी हुई है, बारिश वगैरह हो जाए तो, या फिर किसी के मारनी पड़ जाए तो, सेफ्टी इश्यूज। ऊपर तुम देख सकते हो, ऊपर कुछ गन्स वगैरह रखी हुई हैं, कुछ ज़्यादा ही, कोई बंदा ज़्यादा ही बन रहा हो अपने आप में तो,
यहाँ से बॉक्स निकाल सकते हैं, पूरा सेट है। अलमारी देख सकते हो तुम, अलमारी एकदम मस्त है। गाइस सही से बताना, 5 स्टार होटल से कम तो है नहीं। देखो मैं तो 6 स्टार देने वाला हूँ 5 में से। अब अलमारी खोल के दिखा देता हूँ, डरना मत, कुछ नहीं ऐसा, पुलिस को मत बताना। ये लो अलमारी देख सकते हो, अब तुम फिर से गैस करो मेरा सामान कौन सा है और मेरे रूममेट का कौन सा है। हाँ इतना तो तुम एक्सपर्ट हो ही गए होगे। तो देखो ये मेरा सामान है, ठीक है, वेल मैनेज्ड, यहाँ भी एकदम वेल मैनेज्ड, बस दो में ही है क्योंकि मैं तो पास ही रहता हूँ ना। मेरा रूममेट दूर का है तो वो ज़्यादा अपने कपड़े लेके आया है, ज़्यादा सामान, जूते वगैरह, फेशियल प्रोडक्ट वगैरह। मैं तो नहाता ही जैसे एक हफ्ते में शायद आधे बार हूँ, तो मैं ऐसा कोई फेशियल नहीं, अपने पानी से मुंह धोके निकल पड़ते हैं अपने, निकलता तो क्या हूँ मैं, क्लास ही नहीं जाता। अब अलमारी देख ली और तो क्या ही देखोगे भाई, बस मस्त है ना। ये अब अलमारी बंद कर देता हूँ वरना जो चीज़ें छुपा रखी हैं वो तुम देख लोगे। अब अलमारी कर देता हूँ बंद, ये हाँ बंद भी हो, अच्छी सी हो जाती है बंद, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन ये। और तो क्या दिखाऊँ, पंखा जैसे मैंने तुम्हें दिखा दिया था, पंखा एकदम वेल क्लीन है, एक लाइट लगी हुई है और एक और लाइट लगी हुई है, वो दिखती नहीं है तुम्हें, वो थोड़ी महंगी वाली लाइट है ना इसलिए सॉरी। और तो एक बार फिर देख लो यार एक बार डिटेल में। और हाँ यार कमरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, रहने में थोड़ी दिक्कत होती है, इतने बड़े कमरे में रहने की आदत नहीं है ना। चलने के लिए डिस्टेंस है काफ़ी, 4 कदम आप चल सकते हो इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूम एकदम क्लीन है, प्रॉपर क्लीनिंग होती है रूम की, बेड मेरा एकदम साफ है, यस ठीक है, मस्त है ना, मोटिवेशन आया होगा तुम्हें, यस आईआईटी जाना है हमें भी, ये आईआईटी दिल्ली ओपन द चैट गाइस। अबे ये कौन है, अबे ये तो मैं ही हूँ, ये डाइज ऑफ क्रिंज। बस यार और तो क्या ही दिखाऊँ, इतना मस्त हॉस्टल है यार, जितना दिखाऊँ उतना कम है। यहाँ कुछ कुछ लिख देते हैं बच्चे, बच्चे तेरी, ठीक है मस्त है ना। बाहर से भी दिखाऊँ क्या, बताओ बताओ, चलो बाहर चलते हैं। ये कुंडी टूट गई थी वैसे तो, ये खुले में, अरे तेरी खुलती, चलो 5 मिनट में मैं खोलता हूँ इसको। ये इस गेट खुल चुका है, तुम लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं। ये बाहर से कैसा दिखता है, सबके कपड़े सूख रहे हैं, दिल्ली है यार, दिल्ली इज लव। सिगरेट के पैसे ना देने पड़े इसलिए आईआईटी दिल्ली ले ली, ये यहाँ देख सकते हो तुम, पानी पी सकते हो, वैसे पानी तो कौन पीता है दिल्ली में, पीना है तो पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मना ही नहीं है, अपना ही घर है। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से किसी को कूदना है तो कूद सकते हो लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, मस्त है ना। एक बंदा जा भी रहा है तो जाने दो उसको, अपन को क्या दिक्कत है। तो बस यार यही था हॉस्टल का रूम टूर, तुम बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि रूम दिखाओ रूम दिखाओ, देख लो यार यही रूम है, कितना मस्त है यार, यूं ही तुम बात करते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।